आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। खबर कन्नौज से है, जहां पर पुलिस महकमे में कानपुर कमिश्नर का सफल कार्यकाल निभाने के बाद असीम अरुण अब राजनीतिक पारी में विधायक बनने के बाद आमजन के दिलों में बसते जा रहे हैं। दरअसल उनके सामने बाइक से एक 6 साल के बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे देख विधायक असीम बिना देर किए बच्चे को लेकर विनोद दीक्षित अस्पताल ले जाते हैं, जिसके बाद सरकारी अस्पताल की सुविधाएं दुरुस्त कराने की बात की जा रही है। मैं लगभग 2:30 बजे एक एक्सीडेंट मेरे सामने हुआ था, जिसमें एक बच्चा और मोटरसाइकिल पे आ रहा एक परिवार, एक दंपत्ति और उनका बेटा, उनको चोट लगी थी। और विनोद दीक्षित अस्पताल पे जब उनको लेके आए तो मुझे यहाँ पे इमरजेंसी में कुछ कमियाँ दिखी और CMO साहब डॉक्टर विनोद जी से बात हुई, तो डॉक्टर साहब ने सारी कमियों को दूर किया है और साथ साथ इमरजेंसी को विनोद दीक्षित अस्पताल में भी और जिला अस्पताल में कैसे और अच्छा किया जा सकता है, इसके ऊपर अभी चर्चा हुई है। जो मूल व्यवस्थाएं उनको तो अच्छा रखा ही जाएगा, लेकिन उसको और ऊंचा स्टेप अप कैसे किया सकता है, इस पर भी चर्चा हुई है। और हमारी इमरजेंसी जो है वो अच्छे से अच्छी होना चाहिए, ताकि जो एक्सीडेंट या कार्डियो न्यूरो की समस्याएँ होती हैं, जहाँ पर जीवन बचाने की लाइफ सेविंग का काम होता है, वो बहुत तेज़ी से होना चाहिए। ऐसी खबर अलीगढ़ से है, जहां गांव गुदमई मिश्रीपुर निवासी युवती को घरेलू कलह के चलते उसके जेठ ने अपने 2 बेटों के साथ फावड़ा और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया, जिसके चलते युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं घायल महिला के पिता ने थाना पहुंचकर तीनों आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। मैं आई सोई घेर में साकत डाले भीतर के दोनों भतीजे ने एक ने पाए पकड़े, एक ने मुंह दबाओ, मुंह दबाए के सोई पामरे ते मेरे गोड़ काट डारो। अच्छा। और लठियन ते में मारी। कोई मामला था? कोई मामला ना हो। मैंने अभी सुनी और रामपाल गुरु राजपाल ने मारी हमने मम्मी। काय बात को लेकर मारी? बेबात के। कहाँ पे मारी है? मेरे घर के सामने विक्किया विष्णु और रामपाल। कौन लगते हैं तुम्हारे? तुम्हारे कौन है वो? ताऊ। ताऊ है? मामला ये भतीजों ने मारपीट कर दी है। किस बात को लेकर? ये भैंस खुल गई है, भैंस के चक्कर में बंद करके मारा है इसे। कैसे मारा है? ये बता रही है लठिया डंडा है, फावड़ा भी। खबर बहराइच से है, जहां शहर के मोहल्ला घसियारीपुरा निवासी युवक अचानक घर से गायब हो गया, बाद में उसका शव पास के तालाब में मिला। इस मामले पर परिवार के लोग नाराज हो गए, सभी ने हत्या का आरोप लगाते हुए शव को लेकर सड़क पर रखकर धरने के लिए बैठ गए। युवक की हत्या किए जाने और इंसाफ की मांग को लेकर सभी ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना पाकर कोतवाल नगर राजेश कुमार और नगर मजिस्ट्रेट ज्योति राय मौके पर पहुंची और उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की। यही है सीधी सी बात, इंसाफ दीजिए इसको, इस बंदे को, क्योंकि सीधी सी बात है, इकलौता लौंडा कमाने वाला, इकलौता लौंडा कमाने वाला, और किसी कोई बचना ही चाहिए, कोई बचना ही चाहिए। योगी सरकार से खाली मेरी यही मांग है, कोई मुलजिम बचना नहीं चाहिए। इसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन हाँ षड्यंत्र रूप से उसके साथ ऐसा दुर्घटना किया गया, षड्यंत्र रूप से। ये सारे इनके मिले हुए पक्षियों की कोई जानकारी है? विपक्ष की कोई मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ मोहल्ले के रहने वाले हैं, मोहल्ले का मेरा बासिंदा है। मैं कोई नेता नहीं हूँ, एक जनरल हूँ। होली वाले दिन सर सब लोग होली खेलने गए 10:30 बजे, फिर वो लड़के वहाँ पहुँचे ग्रुप पर, फिर उसी डीजे में नाचने लगे सर। जब वो डीजे में नाचने लगे सर, डीजे पे जब वो नाचने लगे तो हम लोगों ने फिर लड़ाई शांत करवाई,
हमने अपने अपने बच्चे सब अपने घर में कर, ये लड़का पता नहीं कब अकेले पड़ गया। 12 बजे करीब ये लड़का गायब हो गया सर। हम लोग 4 बजे 3 बजे से ढूंढने लगे, ये लड़का आज सुबह हम लोगों को तालाब में मिला, तालाब में मिला सर ये लड़का, यहाँ पे निशान बना है। औरैया के थाना अरवा कटरा क्षेत्र में दबंगों की दबंगई और पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि रुपयों के विवाद में युवक पर दबंगों ने लाइसेंसिंग असलहे से हमला कर दिया। विवाद के दौरान पीड़ित युवक शीलू तिवारी ने भागकर जान बचाई। अरवा कटरा थाना अध्यक्ष राम सहाय पटेल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है असलहा लाइसेंसिंग है या फिर अवैध असलहा है। फिलहाल पुलिस ने वीडियो के आधार पर गिरफ्तारी की है, जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। राकेश कश्यप जो है अजारा गांव की, तो हम उनकी 4 महीने से पिकअप चला रहे हैं। तब तो यार रिटर्न मैंने पैसे कल मांगे थे कि मुझे कुछ पैसे दे दो, हम तो यार कर लें, उन्होंने मना कर दिया। आज गाड़ी के लिए आए, गाड़ी ले चल, मैंने कहा हम नहीं ले गए हैं, हम नहीं जा पाए, आप पैसा नहीं दियो। इतने राकेश के जो लड़का है पिंटू और संजू अंजू, इन्होंने जाके जाकर पकड़ लिया सारे, बोला चलो जोरा भरी, तो इन्होंने धक्का मुक्की करके जो मतलब मारपीट मतलब खैचे लगे घर के लिए, तो मैं ज़मीन में गई घेर। इनका लड़का पिंटू और जो बड़े लड़का संजू है उसके हाथ में राइफल थी, उसने फेंक की, मैं नीचे ज़मीन में गया घेर तालाब के किनारे अपने दरवाजे पे। राइफल क्या लाइसेंसी राइफल है राकेश के नाम, इन्होंने तो अभी तो आचार संहिता चल रही, क्या उन्होंने जमा नहीं की? नहीं की, वो एटा जिला में उनके नाम है इसलिए नहीं, यहाँ कोई जानकारी उनके नाम आई। चिल्लाती रही तो गाँव के लोग आई, काफ़ी लोग उन्होंने जब भजे तो इन्होंने भाग के नंगला कारण चले गए, जो मौके पे चौकी प्रभारी पहुंची। खबर अलीगढ़ से है, जहां तहसील क्षेत्र के श्री राधेलाल हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई। मौत के बाद महिला के पति ने परिजनों के साथ अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा काटा, जिसकी सूचना अस्पताल में मौजूद व्यक्ति ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया और महिला के शव का पंचनामा भरकर उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हुए कार्रवाई में जुटी हुई है। पति ने परिजनों के साथ मिलकर अस्पताल में खूब हंगामा काटा। आपको बता दें कि डिलीवरी के दौरान महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। ये खबर अलीगढ़ से है, जहां तहसील क्षेत्र के श्री राधे लाल हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हुई और मौत के बाद महिला के पति ने परिजनों के साथ अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा काटा, जिसकी सूचना अस्पताल में मौजूद व्यक्तियों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर पीड़ितों को मामले को शांत करवाया और महिला के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो डिलीवरी के दौरान हुई मौत के बाद परिजनों में काफी आक्रोश देखने को मिला, अस्पताल की लापरवाही बताते हुए नजर आए और जमकर हंगामा काटा अस्पताल पहुंचकर, जिसके बाद पुलिस को इस हंगामे की सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची, समझाने बुझाने की कोशिश की गई, मामले को शांत कराया गया और महिला की शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। खबर अमेठी से है, जहां रेस्टोरेंट की छत पर संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिला। शव मिलने से रेस्टोरेंट में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक यहीं साफ सफाई करता था और वो 3 दिन से लापता था, जिसको लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। ये परसों आए होली के एक रोज पहले। अच्छा, उस दिन से ये घर नहीं गए। घर नहीं गए, तो हम लोग कल त्योहार में वो थे तो उतना ढूंढे जाने नहीं। अच्छा, और आज निकले इनको ढूंढने। अच्छा, आज घर पहुँचे नहीं ये जी, तो इनको ढूंढने निकले तो इधर उधर ढूंढे, फिर लास्ट में आए यहाँ। अच्छा, यहाँ आए तो नीचे उसे ढूंढ के चले गए, फिर यहाँ भी नहीं मिले, फिर दोबारा आए हम लोग। अच्छा, तो छत पे ऊपर तक गए तो छत पे मिली इनकी बॉडी। इनकी बॉडी मिली, तो इनके शरीर पे वो दाग लगने ऐसा है छाला टाइप का। अच्छा, कि जैसे लग रहा है जैसे कोई मारा गया। कन्नौज में एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दिया। हत्यारोपी के बेटे जमीन के बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे थे। दोनों को झगड़ते देख आरोपी ने गुस्से में अपने पिता पर हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्यारे बेटे की तलाश शुरू कर दी है। हत्या की सूचना पर गाँव पहुंचे क्षेत्राधिकारी ने गाँव के लोगों से जानकारी ली।
इनको मृत्यु ऐसा है जैसे इनके लड़के ने ही मारा है इनको। अच्छा। हाँ, वो घरेलू ऐसे गाली घूक गलौज एक दूसरे करते रहते हैं, तो गाली गलौज किया, इन्होंने उनको दिया, उन्होंने इनके दी, तो फिर इसके बाद मम्मी भी आ गई, उन्होंने गाली गलौज किया, उनके गाली गलौज करने के बाद पापा मम्मी ने बोला कि इस बुड्ढे को हम सिखाने। गाजीपुर के सदर कोतवाली इलाके के देवकली गांव में कुछ युवकों ने अपने दोस्त को घर बुलाकर उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। उसके बाद मृतक के परिजनों को घर बुलाकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं युवक के शव को देखकर हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी के साथ तहरीर के आधार पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरा मामला सर, वो खा पी कर घूम रहा था अपन, और दो लोग आए बुला कर लेकर चले गए घर अपने, और घर में जाके मार दिए सर। कौन लोग थे? दो लोग, दो लोग, एक धर्मवीर था और एक राहुल। काहे लिए मार लिया, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं साहब, कोई पुरानी रंजिश भी नहीं थे। घटना की जानकारी कैसे हुई? घटना की जानकारी उन्हें घर का एक छोटा लड़का आकर हमको बताया। क्या बताया? कि आपका भाई को मार दिए सब, जाके उठा लिया वालों। जानकारी कैसे हुआ के बताया? हाँ, उनका छोटा। आप लोग क्या किए? फिर हम लोग गए लेकर आए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल लेकर आए तो डेथ हो मृत्यु हो गई थी। पुलिस को जानकारी कर दिया? पुलिस की जानकारी तुरंत हो गई। थाना कोतवाली के बैपुर देवकली गांव के कमलेश बिंद द्वारा थाना कोतवाली पर एक तहरीर दी गई कि उनके छोटे भाई राहुल बिंद उर्फ अविनाश बिंद को गाँव के ही कुछ लोग बुलाकर अपने घर ले गए एवं उसके साथ मारपीट की। इस मारपीट के कारण कमलेश बिंद के छोटे भाई अविनाश उर्फ राहुल बिंद की मृत्यु हो गई। इस संबंध में कमलेश बिंद की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 145/22 धारा 370। संभल के कैला देवी थाना क्षेत्र में फायरिंग की वारदातें नहीं रुक रही हैं। पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग में चार महिलाओं सहित करीब 12 लोग घायल हुए हैं। आनन फानन में सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विवाद के बाद गाँव में तनाव का माहौल है। लगातार फायरिंग की वारदातों से लोगों ने अब खाकी वर्दी पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। आपकी तरफ से कितने लोग घायल हैं? 10। 10 लोग घायल हैं। गोली चलाने वाले कितने लोग थे? 4 आदमी थे। चार आदमी थे। महिला कितनी घायल है आपकी? ये 3 है। 4। 4 महिला घायल हैं और बाकी आदमी घायल हैं। गांव का नाम क्या है? शिवरपुर। और थाना? कैला देवी। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? झगड़ा कुछ नहीं था, हमारे भाई घेर लिए थे सुबह, जंगल झाड़ बनने गए तो। कोई मामला ना हो, ये अपने बनाए हुए इनको तो इरादे ही का पता होना कब क्या हमारी बात छोड़ी पर है। कौन कौन? ये हमारे बीच वाले देवर भेज रहे हो। क्या नाम है उनका? नन्ने। और आपके पति का नाम क्या है? सुगरपाल। कोई बात थी? कोई बात ना आई। फिर क्या हुआ? अब जिन्हें तो जो पता हुई का बात ही नहीं ना, मतलब तो देना वहाँ तो कोई बात ना आई। कितने लोग घायल हैं तुम्हारी तरफ से? इन्होंने गोली बजाई ऐसे, हम तो भाजें ऐसे। गोली चली है? गोली बजी है, इन्होंने गोली बजाई है। इन्होंने लगी किसी के? सबके लगी है। गोली लगी है? हाँ, छरा लगी सबके, गोली लगी है अम्मा के। गोली उनके लगी है? हाँ हाँ। कैला देवी थाना क्षेत्र के एक गांव से जो है 11 घायल आए हैं यहाँ पे, उसमें कुछ महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। 4 महिलाएं बताई जा रही हैं? हाँ, ऐसे बात है, 4 हैं। कुछ आपसी विवाद है, झगड़े हुए हैं, चोटें आई हैं, चोटिल हैं, उनका पर जो है मेडिकल। खबर यूपी के एटा जिले से है, जहां नगरिया मोड़ पर एक युवक का एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद परिजन रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे तो वहां मौजूद पुलिस कर्मियों के साथ उनकी मारपीट हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर लगभग 50 से 60 राउंड फायरिंग भी की। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ग्रामीणों ने थाने पर पथराव किया है और जो कुछ भी संज्ञान में आएगा उसके आधार पर जांच की जाएगी। कहाँ गए थे आप? हम गए मारेरा, हमारी बुआ के ससुर खत्म हो गए थे जहाँ पे, वहाँ से बाप से लौट के आ रहे थे। हमको लगी पे साहब वहाँ ठाड़े के, हमने 60 में खरीदी वो, एक यूपी वाला बहुत स्पीड में और मार के चला गया। मेरे खैयाम से उतर के ऊपर गया तब तक मेरे पापा एक बार मई कर। फिर उसके बाद आपने क्या किया? हमने एक एम्बुलेंस गई, एम्बुलेंस सरकारी अस्पताल लाए, वहाँ से थाने में ले गए। थाने में हम दो पुलिस वाले थे, हमने कि बाबूजी हमारी जहाँ पड़ती हो तहाँ पर उसको लगवा दो, तो हम अपने खबर माँ बाप को यहाँ ले जाएँ। तो पुलिस वाले बोला यहाँ कोई नहीं है,
तो हमने बोला यहीं पे करवा दो, हम नहीं कर पाएंगे। हमको गाली दी, हमने फिर पूछ लिया, फिर हमारे गांव वालों ने जबरदस्ती की थोड़ी सी, मगर हमारे गांव वालों को उन्होंने फारंगबाजी की 50 साल। कार्रवाई के लिए आपने कहा पुलिस से कार्रवाई की? कार्रवाई किया, कार्रवाई नहीं कर दी, यहाँ कुछ नहीं होगा, हम दो पुलिस वाले कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।